वेलकम टू स्टार एजुकेशनल। स्टार एजुकेशन दोस्तों आप सभी के लिए, जो आपका एसएससी जीडी 2021 की भर्ती आने वाली है उनके लिए हमारी टीम के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, वो पेपर सेट नंबर हमारा एक है, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा के अंदर पूछे गए थे उनकी हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में। और कुल हम 25 प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे? 25 प्रश्न करेंगे। और दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज रोजाना होने वाली, रोजाना एक वीडियो अपडेट होगा। भर्ती आने वाली है हजारों, यानी लगभग 80,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। तैयारी करने वाले फटाफट से आ जाइए, और पीडीएफ फाइल भी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये कथन किसने कहा था, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 प्रश्न करेंगे और 25 में से आपके कितने सही हमें जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विपेक्षण होता है तो निम्नलिखित में किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? यस, तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बैंगनी। क्या है राइट आंसर? क्या है बैंगनी? आपका राइट आंसर क्या है? बैंगनी। तो प्रश्न का राइट आंसर को ध्यान रखना, बैंगनी। अगर दोस्तों यहां पर पूछे कि इंद्रधनुष, धनुष की बात करें, धनुष के अंदर कुल 7 रंग होते हैं और मध्य वाला रंग है ना, ये कौन सा होता है? हरा होता है। ये सवाल प्रश्न के अंदर बहुत बार पूछा गया है। देखिए सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव बनते हैं। देखिए सीधे एवं आभासी प्रतिबिंब सदैव बनते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, समतल और उत्तल दर्पण के कारण। तो ये ध्यान में रखना है, दर्पण आपको यहां आपको जो परीक्षा के अंदर परिवर्तन करने के लिए दर्पण की जगह आपको लेंस भी दे सकते हैं। तो चीजें थोड़ी थोड़ी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगर देखिए माउंट ना एटन क्या है दोस्तों? ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली की है। कहां की है दोस्तों? इटली की है। कहां की है? इटली की है। और अगर ये इटली के अंदर पूछे तो दोस्तों सिसली द्वीप, कौन सा द्वीप है? सिसली द्वीप के अंदर, कौन सा द्वीप? सिसली द्वीप है। और विशेष सूचना हमारी टीम के द्वारा 50 प्रैक्टिस सेट, कितने दोस्तों? 50 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएससी और उसके साथ साथ में ई नोट्स और हमारी जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ फाइल्स आपको मिलने वाली है। अभी इनका चार्ज 50% डिस्काउंट के साथ में है, यानी आपको ₹250 पे करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 9461041363 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों, और कॉल भी करके सर से बात कर सकते हैं। एसएससी जीडी का नया बैच लेकर आया, सटीक प्रश्न, जिसके अंदर हम जो 45 पेपर सेट देंगे, 45 पेपर सेट में 5 डेमो पेपर सेट देंगे, फुल 100 क्वेश्चन के और नए सिलेबस के आधार पर देने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखे हैं, आप भी व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। और अगर आपके पास में कोई ग्रुप है तो ये व्हाट्सएप नंबर उसके अंदर ऐड कर दीजिए। असहयोग आंदोलन, 5 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों इसमें जो वापिस लेने का जो कारण क्या था, जो आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन को वापिस लेने का कारण क्या था? जब 1922 की बात करें, जब 1922 के अंदर गोरखपुर कांड हुआ, कौन सा हुआ दोस्तों? गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर कौन सा कांड? चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड हुआ था, इसके कारण इनको वापिस लेना पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है? चोरा चोरी कांड के कारण वापिस लेना पड़ा। डंकन मार्ग दोस्तों, डंकन मार्ग किससे किसके मध्य है? डंकन मार्ग किसके मध्य है? 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है डंकन मार्ग के मध्य पूछे गए 6 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। किन किन के बीच में? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन मार्ग स्थित है। देखिए 7 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का मतलब क्या है? दीपवंश का संबंध किससे है? दीपवंश,
जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से रचित रचना कहां पर हुई, दीपवंश। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां बता देता हूं दीपवंश, दीपवंश के अंदर श्रीलंका का इतिहास दे रखा है, श्रीलंका। तो जाहिर सी बात इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका है। यस, ये बौद्ध ग्रंथ है और इसमें श्रीलंका का इतिहास मिलता है। क्या मिलता है, इतिहास, ये ध्यान में रखना। श्रीलंका का इतिहास कहां मिलता है, दीपवंश के अंदर मिलता है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, 8 नंबर प्रश्न। यस राइट आंसर गोवा। गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी। और दोस्तों पणजी मांडवी नदी के किनारे, किसे, मांडवी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एमपी की राजधानी की बात करें तो यहां की भोपाल राजधानी है। बिहार की राजधानी की बात करें पटना राजधानी है। और कर्नाटका की राजधानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 8 नंबर प्रश्न का। अगला देखेंगे एथिलीन तथा स्टीयरिंग की व्यापारिक उपयोगिता, उनमें निम्नलिखित समता का कारण पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न इसका कारण है जल अपघटन के कारण, किसके कारण, जलीय अपघटन के कारण आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली कृषि संबंधित जनगणना किस वर्ष करवाई गई थी। पहली कृषि संबंधित जनगणना जो आपका 1970 से लेकर 1971 के मध्य करवाई गई थी, ये ध्यान रख। दोस्तों जनगणना पूछी गई और किसकी पूछी, कृषि एग्रीकल्चर, और कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, मानसून, मानसून का, मानसून, मानसून का जुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, जुआ कहा जाता है। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, यस राइट है, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न बताएंगे। शरीर में पोटेशियम और सोडियम का कार्य किनको बनाए रखता है, दोस्तों बनाने का कार्य कौन करता है, 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रक्तचाप, जो शरीर का रक्तचाप होता है उसको मेंटेन रखने का कार्य करता है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिक यानी इंद्र क्या है, प्रौद्योगिक में इंद्र क्या है, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये रडार का नाम है, क्या है, रडार का नाम है। कंप्यूटर में आईसी चिप बिल्कुल होती है, आईसी चिप किसकी बनी होती है, आईसी चिप किसकी बनी होती है, 14 नंबर प्रश्न का, सिलिकॉन, किसके, सिलिकॉन, और सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, सिटी, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, यस कमेंट्स करेंगे, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं भारत के अंदर। निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम एक ईंधन का कार्य करता है। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न योजना एवं विशेषताओं में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है, 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध ये नहीं है, बिल्कुल जो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित बिल्कुल नहीं है, भारी उद्योग से संबंधित, देखो नहीं, सॉरी सही, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये भी भारी उद्योग से संबंधित है और ये हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, और चतुर है चौथी में गरीबी उन्मूलन, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, प्रथम में कौन सा है दोस्तों, सामाजिक दायित्व, और द्वितीय के अंदर कौन सा है, तो ये दोनों आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं है, समझ में आ गया 16 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुमिलित नहीं है, एक तरफ मकबरे दे रखे हैं, एक तरफ बादशाहों के नाम दे रखे, 17 नंबर प्रश्न। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो 17 नंबर अकबर, यस अकबर का सिकंदराबाद, बाबर का काबुल, जहांगीर का लाहौर, लेकिन जो शाहजहां का यहां पर औरंगजेब के अंदर है, औरंगाबाद के अंदर है, दिल्ली के अंदर नहीं है, तो आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्धचालक का तापमान, देखिए ताप बढ़ जाए तो इनकी प्रतिरोधक क्या है, 18 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है।
भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधित प्रस्ताव इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? 19 नंबर प्रश्न है और 19 देखिए विभाजन संबंधित प्रस्ताव इनमें से सम्मिलित नहीं है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। पूर्व और पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं? 21 नंबर प्रश्न और इसका राइट आंसर इज कौन सी हिमालय? नीलगिरी की हिमालय। कौन सी हिमालय? नीलगिरी की हिमालय। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नीलगिरी की हिमालय आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल पदार्थ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? यस राइट आंसर 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की ओजोन परत में सही होने का प्रमुख कारण क्या? 23 नंबर प्रश्न सही होने का है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी। क्या है? सीएफसी। क्या है? सीएफसी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जेनेटिक। चलिए राइट आंसर जी राइबोसोम में। किसके अंदर? राइबोसोम आपका राइट आंसर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, 25 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग क्या है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज ये एक पंच विकास यानी पंच वार्षिक निकाय है यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में गठन होता है। क्या होता है? प्रत्येक गठन होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी वित्त आयोग के बारे में। तो हमने जीके के 25 प्रश्न किए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैंने आपको बताया हमारी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, नाम मात्र के शुल्क के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज का नाम मिशन जीडी 2021 की भर्ती आने वाली, उनके लिए हमारी सबसे लगभग 70 से 80 हजार वैकेंसी आने वाली, उनके लिए हमारी क्लास है 50% डिस्काउंट दे रखा है। पीडीएफ भी इसके अंदर मिल जाएगी और हम 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।